through my life, did you feel us? Another star, you fade away. Afraid our aim is out of sight. Wanna see you और आप लोगों के प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया कि 3 दिन के अंदर ही मेरा सब्सक्रिप्शन ऑलमोस्ट 100 के पार गया। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मुझे यूँ ही प्यार देते रहेंगे और मुझे आप मोटिवेट करते रहेंगे, जिससे मैं अपने वीडियोज़ और आगे बनाते जा रहा हूँ। दोस्तों, इसी श्रृंखला का अगला वीडियो आज मैं फिर आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जो एक भारत का यादगार मैच था। जी हाँ दोस्तों, आपको अप्रैल महीना 1998 याद होगा, जब भारत ने ऑस्ट्रेलिया को कोको कोला कप शारजा में हरा करके अपना कोको कोला चैंपियन ट्रॉफी पे कब्जा किया था। जी हाँ, तो उसी समय की श्रृंखला का मैं आपको दो मैचेस के बारे में बताऊंगा। पहला मैं थोड़ा शॉर्ट में बताऊंगा। पहला मैच था सेमीफाइनल इंडिया का, जो इवेंचुअली आप इसलिए सेमीफाइनल बोल सकते हैं कि उस मैच को जीत करके, और केवल जीतना ही नहीं था, इंडिया को बेहतर रन रेट से भी उस मैच को जीत करके आगे बढ़ना था, जिससे इंडिया बेहतर रन रेट से न्यूजीलैंड से बेहतर हो जाए और फिर ऑस्ट्रेलिया के साथ फाइनल खेले। तो पहला मैच इंडिया के सेमीफाइनल में था। और मैं इससे पहले आपको बता दूं कि उससे पहले के दो लीग मैच में इंडिया ऑस्ट्रेलिया से हार चुका था, तो इसलिए ऑस्ट्रेलिया का दबदबा काफ़ी अच्छा था। और अगर हिस्ट्री में देखें तो आप ऑस्ट्रेलिया ने हमेशा भारत के ऊपर अपना दबदबा कायम रखा है, तो वो मैच एक तरह से भारत के लिए सेमीफाइनल मैच था। तो उस मैच में ऑस्ट्रेलिया के कप्तान स्टीफन वॉग ने टॉस जीत करके पहले बल्लेबाजी की और माइकल बेवन के सेंचुरी के वजह से ऑस्ट्रेलिया ने भारत के सामने 285 रनों का टारगेट खड़ा किया। और जब उसके बाद बीच में क्या हुआ कि एक बहुत बड़ा तूफान आ गया वहां पे, तो उस तूफान की वजह से मैच 25 मिनट के लिए रुक गया। और जब फिर से मैच शुरू हुआ तो एक रिवाइज्ड टारगेट जो भारत को मिला वो 277 रन का मिला 46 ओवर में। तो उसके बाद जब भारतीय टीम बल्लेबाजी करने के लिए आई तो भारतीय टीम की तरफ से सचिन तेंदुलकर ने 134 गेंदों पे 143 रनों की यादगार पारी खेली थी, जिसमें उनके 5 छक्के और 11 चौके थे। हालांकि वो पारी सचिन की इसलिए हमारे लिए कोई यादगार नहीं रही कि भारत वो मैच हार गया, लेकिन क्या हुआ कि इवेंचुअली भारत एक बेहतर रन रेट बनाने में कामयाब रहा उस मैच को हारने के बावजूद, ताकि भारत फाइनल में ऑस्ट्रेलिया से भिड़ सके। अब दोस्तों, अब मैं आप लोगों के सामने वो मैच के बारे में बता रहा हूँ। तो उस मैच से पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, कुछ एक इतिहास होता है या कुछ एक लॉ होता है, लॉ ऑफ नेचर, या आप मान लीजिए एक आपका लोकतंत्र का नियम होता है कि सब लोग साथ मिलकर के चलते। इसी तरीके से क्रिकेट का एक अपना लोकतंत्र है कि जिसमें आपको बैटिंग करने के लिए पार्टनर चाहिए, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे जीनियस लोग होते हैं जो इसको बिल्कुल उल्टा मान लेते हैं, वो इसके विपरीत ही चलते हैं। तो यहीं पर एग्जाम्पल था सचिन तेंदुलकर का, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि सचिन तेंदुलकर का एग्जाम्पल कि सचिन के साथ इस मैच में जितने लोग उनके साथ में खेले, पार्टनर खेले, वो सिर्फ उनके साथ केवल सपोर्टिंग भूमिका, एक सपोर्टर की भूमिका में थे, बाकी सारा काम सचिन तेंदुलकर ने किया। तो इसलिए इस और साथ में इस मैच में हम लोगों ने सचिन तेंदुलकर के कातिलाना अंदाज को भी देखा, जिसको हम एक एज अ किलर इंस्टिंक्ट के नाम से जानते हैं। उससे पहले हम सचिन तेंदुलकर बहुत एक शांत स्वभाव वाले प्लेयर के नाम से जानते हैं, लेकिन हम लोगों ने सचिन के उस क्रूर रूप को भी देखा जब वो गेंदबाजों के ऊपर हावी होते हैं। तो दोस्तों, मैं इस तरह से फाइनल मैच के बारे में जिक्र करता हूँ आप लोगों को। तो ऑस्ट्रेलिया के कप्तान स्टीफन वॉग ने टॉस जीता और फाइनल में बैटिंग करने का फैसला किया। और हालांकि ऑस्ट्रेलिया की स्टार्ट बहुत अच्छा नहीं हुआ और 8 ओवर के अंदर ही ऑस्ट्रेलिया के 23 रन पर 3 विकेट गिर गए। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया की तरफ से एडम गिलक्रिस्ट और माइकल बेवन ने एक 50 रन की पार्टनरशिप की। इसके बाद फिर इनके बीच में 2 जल्दी विकेट गिर गए। इसके बाद फिर बीच में क्या हुआ कि आपका
कैप्टन स्टीफन वॉक एंड डेरन लेमन दोनों ने 70-70 रन बनाए और वो महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस तरीके से ऑस्ट्रेलिया का टोटल स्कोर जो था 279 रन था और भारत को ऑस्ट्रेलिया ने 280 रन का टारगेट दिया। और भारत की तरफ से गेंदबाजी की बात करें तो वेंकटेश प्रसाद ने 10 ओवर में एक मेडल के साथ 32 रन लेकर 3 विकेट लिए और इसके बाद ऋषिकेश कनेरिया ने 10 ओवर में बिना किसी मेडल के 58 रन देकर के 2 विकेट दिए। जब भारतीय पारी की बात आई तो भारत को हम जानते थे कि स्टार्टिंग से भारत एक ऐसी टीम नहीं रही थी जो कि बहुत मतलब चेस करने में मास्टरी था उसका, ऐसा कुछ नहीं था। तो भारत एक सेकी टीम समझी जाती थी मेन इन टर्म्स ऑफ द चेसिंग द मैच। लेकिन उस मैच में मार्जिनली देखा जाए तो एक अच्छा खासा स्टार्ट, बहुत अच्छा नहीं बोला जाएगा लेकिन एक अच्छा खासा स्टार्ट बोला जाएगा। और उस मैच में सचिन तेंदुलकर और सौरभ गांगुली ने 9 ओवर में 39 रन जोड़ करके भारत को एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया। उसके बाद क्या होते हैं, सौरभ गांगुली जी आउट हो जाते हैं। फिर उस समय आपको बता दें जैसे आजकल बहुत तेज हो रहा क्रिकेट, उस जमाने में उतना तेज ऐसे क्रिकेट नहीं होता था। तो उस समय टीमें सरप्राइज के तौर पे अपने टीम में किसी पिंच हिटर को ऊपर भेजती थी। तो उस समय भारत के लिए पिंच हिटर का काम नेट मुंगिया ने किया और 3 नंबर पे बल्लेबाजी करने आया। और उसके बाद नेट मुंगिया ने सचिन तेंदुलकर के साथ मिलकर के 15 ओवर में 90 बहुमूल्य पार्टनरशिप किए। और उसके बाद फिर नेट मुंगिया आउट हो गया। उनके बाद फिर मोहम्मद अजहरुद्दीन आए जो भारत के कप्तान थे। और उसके बाद अजहर और सचिन तेंदुलकर के बीच में एक 128 रन की पार्टनरशिप होती है। उस पार्टनरशिप के बाद फिर भारत का स्कोर 248-47 के आसपास था। उसके बाद फिर सचिन और मोहम्मद अजहरुद्दीन जल्दी जल्दी आउट हो गए। लेकिन उसके बाद एक औपचारिकता ही रह गई थी, कोई खास नहीं, 15 या 20 रन थे। तो उसके बाद फिर अजय जडेजा और ऋषिकेश कनेरिया ने 15 रन की एक नबात पार्टनरशिप बनाई और जिसके वजह से भारत वो मैच जीत करके और यूजली कोकोकोला ट्रॉफी को भारत ने जीता। और उस मैच में ऑस्ट्रेलिया की तरफ से देखा जाए तो डेमियन फ्लेमिंग और माइकल क्रॉसवेज ने 47-48 रन देकर के क्रमशः 10 ओवर में 2-2 विकेट लिए। और सचिन तेंदुलकर पूरा पूरा टूर्नामेंट में एक अच्छा गेम खेलने के लिए मैन ऑफ द सीरीज और मैन ऑफ द मैच से नवाजे गए। और उसी सीरीज के साथ ही सचिन तेंदुलकर ने बहुत सारे छक्के मारे उस मैच में, उस पूरी सीरीज में यूं कहे तो। और साथ में सचिन तेंदुलकर ने फास्टेस्ट 50 भी बनाया दोस्तों। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और साथ में पिछले वीडियो में मेरे एक दोस्त ने मुझे ये बोला था कि मुझे अपने वीडियो में एक क्लिपिंग ऐड करना चाहिए, तो अपने इस दोस्त के सजेशन को लेकर के मैं अपने इसके अंत में एक वीडियो को डालने की कोशिश कर रहा हूँ इसी मैच से रिलेटेड, जो कि आपको अच्छा लगेगा दोस्तों। और इसी के साथ मैं इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ। होप सो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब, और मुझे भी आप मोटिवेट करते हैं दोस्तों। थैंक यू सो मच। Wonderful scenes here. There we are, waving to everybody as they go. On our hands. Now then, Tendulkar. Mentally. Oh, well played. That's 4. Lovely, elegant cover drive. To see this game. Oh, and that's gone for 4, but that is a very lucky break. Fieldsman. Oh, he's nearly hit his partner. He's nearly hit his partner, Sachin Tendulkar. Not necessarily for the bowling. Sachin Tendulkar just clears mid on. Pitch is playing very well. Well, that's a cracking shot. That's turned away in night. And the amazing run of consistency continues. Yet another half century for Sachin Tendulkar. It's his birthday today, and he's not let his fans down. And he swept him fine again. This will be another boundary. Hammering it over long gone. 28. Mohammad Azhruddin comes out to join Sachin Tendulkar. .17 now.
Oh, he's working it around. Desperate effort there by Kasperwitz. It's gone to the fence for four. That's one to down towards the boundary. Well, that's definitely on. With 8 wickets in hand, India. That's it. 100 number 15 for Sachin Tendulkar in one-day internationals. Tremendous ovation here from the crowd. What a player. So that's what in it. Oh, that's been crashed off the back foot. That smash back straight back over the bowler's head. And he's not finished yet. Consecutive boundaries. I think that. Oh, this is high. What a six! What a six! Way down the ground. And there he goes again. Whack. One bounce. A big appeal. Oh, he's given him. He's given him out LBW. Now, this is an interesting decision. Did it pitch outside leg stump? Was it going to hit the off stump? No way. That is missing off stump. However, the innings is over. They're all on their feet around. We wanted to be there right till the end, but that was not to be. A tough decision that he's received. He's the stumps. And an overthrow this time. Two. Above all, they want victory. That's it. It's all over. India have won. Away. Some games you wanna play. I'm walking to your house. Nobody's home. Just me and you, and you and me alone. We're just playing hide and seek. It's getting hard to breathe under the sheets with you.